प्रोडक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में आज हम आपको बताते हैं कि हारमोनियम को जल्दी कैसे सीखा जाए, जल्दी सीखने का तरीका क्या है और हम गलत नहीं सिखा पाएंगे। देखिए, हम गलत नहीं सिखा पाएंगे। अगर आपको जल्दी हारमोनियम सीखना है तो आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी होगी। हर स्टूडेंट जब कोई क्लास ज्वाइन करता है तो वो एक महीना दो महीना सीखने के बाद में वो वापस फिर घर में बैठ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि एक दो महीना में जो हमने सीखा है उसी से हमें हारमोनियम बजाना आ जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे अंदर अपने अंदर होती है। वो लगता है कि उनको हमको या तो टीचर सिखा नहीं रहा सही से और अपने अंदर नहीं देख रहे कि हम क्या कर रहे हैं। कोई भी उनको अलंकार दिया जाता है, गाना दिया जाता है, उसको बस फटाफट उल्टा सीधा बजा करके और आगे बढ़ जाते हैं, गुरुजी अब आगे कुछ दीजिए, और वो परफेक्ट हो नहीं पाता है। और जब वो परफेक्ट हो नहीं पाता और आगे उनको कोई चीज दी नहीं जाती तो उनको ऐसा लगता है कि हमको प्रॉपर सिखाया नहीं जा रहा है। लेकिन यही सबसे हमारी गलत सोच है। और मैं एक भी चीज को गलत नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि मुझसे गलत होगा नहीं। मैं म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, ना ही मैं आपको कोई गलत बात म्यूजिक के बारे में बताऊंगा। आप मेरे चैनल में चाहे हजारों वीडियो पढ़े, कोई भी वीडियो आप देख लीजिए, उसमें कोई भी बात आपको गलत लगे आप मुझे तुरंत उस बात को बताइए। मैं उन लोगों की तरह वीडियो नहीं बना पाऊंगा कि ये गुरु मंत्र जान जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये टेक्निक जान जाएंगे तो आप जो है उस्ताद बन जाएंगे। ये सब बेकार की बातें हैं। ना कोई उस्ताद बन जाएंगे आप और ना ही आप हारमोनियम बजा ही नहीं पाएंगे। उन लोगों ने जो है जो संगीत के साथ जो धोखा कर रहे हैं वो लोग, उनकी वैसी सोच है और वो वैसा ही सीखे होंगे तभी वो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, संगीत एक बहुत ही प्यारी चीज है। इसमें सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट से ये बात कहूंगा कि अगर आप संगीत को सीखना चाहते हैं, हारमोनियम या कोई गाने वगैरह सीखना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने मन को मजबूत करके ही इस रास्ते में उतरिए। इसके साथ खिलवाड़ करने के लिए मत उतरिए कि एक महीना सीख लिया फिर चार महीना गायब हो गए, फिर एक महीना सीख लिया फिर गायब हो गए। ऐसे आपको जिंदगी में कभी नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ी साधना है और उसमें जैसे आपको जो आपका उस्ताद होता है, जो आपको जैसे बताता है वैसे करना पड़ता है। और वैसे अगर आप नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। उसमें किसी का दोष क्या है, आप ही बताइए। कोई चीज आपको दी जाती है, आप उसको फटाफट करके दे देते हो, जबकि कोई भी टास्क ऐसा है ही नहीं जो एक महीने से दो महीने से कम में तैयार हो जाए। एक गीत आप चार गीत, दस गीत, पचास गीत बजाने के चक्कर में हमेशा बने रहते हैं और एक भी गीत आप सही नहीं बजा पाते। जैसे हम जो है कोई गीत आपको दें और आपने उसको बजाया फटाफट और तुरंत आप दूसरा गीत करवा दीजिए, आप तीसरा करवा दीजिए, आप चौथा करवा दीजिए। ऐसे गीत हम बहुत सारे कर लेंगे, लेकिन क्या होगा कि उनमें से वो जब आप 20 गीत तैयार कर लेंगे, 25 तैयार कर लेंगे, गीत तो आपने 20-25 तैयार कर लिए, लेकिन क्या होगा जब भी आपको कहीं बजाना पड़ेगा तब हमको कोई भी बजाना नहीं आता, और बजाना आता भी है तो वो टोटल सब गलत है, क्योंकि हम बीच बीच में रुक जा रहे हैं, भूल जा रहे हैं। तो फिर आप जब भूल जा रहे हैं तो फिर आपकी तैयारी कैसी हुई? तैयारी हुई ही नहीं। हमने बस यही किया कि फटाफट जैसे उल्टा सीधा एक गीत बजाया और बस तुरंत आगे बढ़ गए। हमारे अंदर ऐसी सोच क्यों होती है कि हम 50 गीत बजा लें, 20 गीत बजा लें और जब हम कहीं बजाने बैठे तो कोई ना बजे। आप एक गीत को बजाइए और एक गीत को ही इस तरह से तैयार कीजिए कि आप आंख बंद करके उसको बजा सके। जब वो इस तरह आपको आ जाए फिर आप दूसरे गीत पे जाइए। जल्दबाजी किस बात की है? आप क्यों जल्दबाजी करना चाहते हैं? कम से कम एक गीत दो गीत आप जो बजाएंगे वो आप कहीं स्टेज पे भी बजा पाएंगे, अपने घर में किसी प्रोग्राम में भी बजा पाएंगे। नहीं तो मालूम हुआ हमने 20-25 गाने भी तैयार कर लिए, लेकिन जब कभी बजाने बैठते हैं किसी के सामने तो टोटल सब गलत हो जाता। तब व्यक्ति यही पूछता है कि आप इतने समय तक क्या करते रहे? तब आप ये बताते हैं कि हम इतने समय तक सीखते रहे, 2 साल हमें सीखते हो गया और फिर भी हमको बजाना नहीं आ रहा है। बजाना नहीं आ रहा तो उसमें कमी किसकी है? हमारी अपनी, क्योंकि हमने किसी भी चीज को सही तरह से तैयार नहीं किया। और अगर देखो हमारे पास जैसे कोई भी क्लास ज्वाइन करता है, मैं सबसे यही कहता हूं कि मैं एक भी स्वर गलत नहीं सिखाऊंगा और ना ही मैं गलत आगे बढ़ूंगा। जब तक कोई भी चीज मैं सिखा रहा हूं और उसको आप सही ढंग से तैयार नहीं करते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप अपनी मर्जी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम आपकी मर्जी के ऊपर पाबंदी तो नहीं लगा सकते।
अब आपने ये गाना कर लिया, हम आपको कह रहे हैं कि नहीं अभी ये गाना परफेक्ट नहीं हुआ है, अभी इसको और कीजिए, तो आप कहते हैं नहीं कि हमें अब दूसरा गाना करना है। तो फिर ये आपकी कमी है, हमारी कमी नहीं है, क्योंकि आप हमारी बात ही नहीं मान रहे हैं, आप तो अपने हिसाब से चल रहे हैं ना। और जब आप अपने हिसाब से चलेंगे तो फिर हम जो गाना आपको करवाएंगे, हम आपको फॉर्मेट पूरा सही बताएंगे, सारे सुर सही बताएंगे, लेकिन अब बचा आपकी प्रैक्टिस, और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। और ये आपको अपने अपने अंदर ही ये चीज समझनी पड़ेगी। मैं अंदर से दुखी होता हूँ जब हमारे साथ कोई बैठता है और वो चीज सही ढंग से नहीं आती, और वो थोड़ी जल्दबाजी में आ जाते हैं सब लोग। तो उससे क्या होता है कि हम फिर हमारा मन थोड़ा दुखी इसलिए होता है कि हम जो चीज सिखा रहे हैं वो अभी परफेक्ट नहीं हो पाई, और फिर भी हम आगे बढ़ जा रहे हैं, तो थोड़ी दिक्कत होती है। अब लेकिन हम किसी की सोच पे तो पाबंदी नहीं लगा सकते, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आप बढ़िए, लेकिन क्या होता है फिर वो मजबूती नहीं आती है। तो इसीलिए सबसे मैं यही कहूंगा, और मैं देखो ऐसा कर नहीं पाऊंगा कि हम आपको जो है उल्टा सीधा जल्दी जल्दी सिखा दें और वो सब पूरा गलत हो जाए, और हम ही आगे बढ़ते रहें कि नहीं अब ये हो गया आप आगे बढ़ जाइए। ऐसा वो लोग करते हैं जिनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो ये स्टूडेंट हमारा जो है छोड़ के भाग जाए, और हमें जो फीस मिल रहा है, जो पैसा मिल रहा है, वो जो है हमारा बंद हो जाए। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। आपका जब आपको अच्छा लगे और आप उसको कर सके तभी कीजिए, अगर आप नहीं सीखेंगे तो उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए जब आप नहीं सीखेंगे तो कम से कम हमारे अंदर ये संतोष रहेगा कि चलो अब वो आप खुद ही नहीं सीखना चाहते हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन हम इस तरह से चलें तो ये ठीक नहीं है। मैं आपको कोई भी गाना सिखाऊंगा, एक गाना सिखाऊंगा, दो गाने सिखाऊंगा, वो गाने अगर आप मेरे मुताबिक बताए, अगर आपने बजा लिए तो आप कहीं भी स्टेज पे उनको बजा सकते हैं और गा भी सकते हैं, आपको कोई नहीं टोकेगा। क्योंकि मैं एक भी स्वर छोड़ता नहीं हूं, मैं वैसे भी बहुत ही बारीकी से, आप कोई भी मेरा वीडियो देखिएगा, मैं बहुत ही बारीकी से चलता हूँ। क्योंकि संगीत को अगर आप बारीकी से नहीं लेंगे तो उसमें मिठास कहाँ से आएगी? उसमें जो जिस आनंद के लिए आप सीखना चाहते हो वही आनंद आ नहीं रहा है, तो फिर सीखने से फायदा क्या है? सबके अंदर यही सोच है कि कितनी जल्दी हम हारमोनियम पे गाना बजाना सीख जाए, लेकिन गाना बजाना सीख तो आप जब ही जाएंगे जब आप प्रॉपर करेंगे। आपको जैसे कोई अलंकार दिया, आपने उसको फटाफट नकल कर लिया, नकल करके और बजा करके दे दिया, जैसे हमने बजा कर दिया वैसे आपने भी मुझे बजा कर दे दिया, लेकिन आपने उसको समझने की कोशिश नहीं की। इसमें जो सरगम लग रही है उसको हम कैसे समझें? सा के बाद में गा आ रहा है तो सा और गा की दूरी क्या है उसको आप ध्यान दीजिए। आपको कोई चीज प्रैक्टिस के लिए दी गई है, वो क्यों दी गई है, ताकि आप उसको समझें। और मैं साथ साथ में आपको बता भी रहा हूं कि आप इसकी दूरी को समझिए, और फिर भी नहीं हम समझते हैं, हम खाली उसको फटाफट एक फॉर्मेट की तरह तैयार करके और तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, आगे नहीं बढ़ना है। आगे आप बढ़ेंगे अपने आप ही बढ़ जाएंगे, लेकिन कोई भी चीज जब मजबूत हो जाएगी तभी हम उसको बढ़ पाएंगे। जैसे मैं आपको सिंपल सा एक उदाहरण देता हूँ, जब आप कोई गाना शुरू में सीखते हैं और सीखते हैं तो उसमें आप बीच में रुक जाते हैं, कहीं पे हमारे स्वर गड़बड़ा जाते हैं, कहीं पे हमारे रीड से उंगलियां स्लिप हो जाती हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है और वो जब खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है, तो आप देखिए कि उसके पैर कैसे पड़ते हैं। उसके पैर जैसे हम लोग चलते वैसे नहीं पड़ते, उसके पर कभी इधर पड़ रहा है, कभी उधर पैर पड़ रहा है, और कभी वो गिर जा रहा है, फिर उड़ता है, फिर गिर जाता है। शुरू में जब हम किसी गाने को बजाते हैं तो हमारे गाने की भी पोजीशन यही होती है कि कभी तो हम रीड पे रुक जा रहे हैं, कभी तो उस रीड से स्लिप हो जा रहे हैं, कभी तो गिर जा रहे हैं, ये सब होता रहता है। लेकिन जब आप उसको लगातार, अब वो बच्चा जो है वो लगातार फिर गिरता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर चलना सीख शुरू करता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, और लगातार वो चलता ही जा करते ही रहता है। ये एक्सरसाइज जब वो करता रहता है तो क्या होता है, धीरे 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 वो चलना सीख जाता है, और जब चलना सीख जाता है तो एक दिन वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास रिदम में चलने लगता है। जैसे हम लोग चलते हैं कहीं सड़क पे, एक 15-20 साल का जो व्यक्ति रोड पे चलता है तो उसके पैर लड़खड़ाते नहीं है, वो बढ़िया एक तरीके से एक रिदम में चलता है, और हम उस तरह से रिदम में आ जाते हैं, और हमारा गीत भी रिदम में आ जाता है। जब हमारा गीत रिदम में आ जाता है तो हम गीत को जब बजाते हैं तो वो परफेक्ट होता है। अब आप शुरू में ही उसको लड़खड़ाने पे ही छोड़ देंगे तो आगे जब दूसरे गीत पे जाएंगे तो वो भी तो लड़खड़ाएगा।
तो ये सब चीजें हमें जरूर समझनी होंगी, और आप इन सब चीजों को समझेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और तभी अच्छा कर पाएंगे। और ये मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया है क्योंकि मैं कई लोगों के अंदर ये चीज देख रहा हूं कि वो 1 महीना 2 महीना करने के बाद में फिर जो है वो घर में बैठ जाते हैं, और फिर 5-6 महीना इधर उधर खूब यूट्यूब को देखते हैं कि कहीं कोई टेक्निक मिल जाए, कहीं कोई ऐसा आइडिया मिल जाए जिससे हम हारमोनियम पे गाना बजाना सीख जाए। मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं आपको कि कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो आपको गाना निकालना सिखा दे। गाना निकालने का बस एक ही तरीका है कि उसमें आप लग जाइए आंख बंद करके, और जो भी चीज आपको दी जाए उसको इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि वो आपको आंख बंद करके बजाना आ जाए। जब हम ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग का भी यही हाल होता है। शुरू में जब हम गाड़ी चलाते हैं कभी एक्सीलेटर ज्यादा हो जाता है, कहीं ज्यादा ब्रेक लग जाता है, ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन क्या होता है, जब उसको रोज धीरे 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 हम चलाते जाते हैं तो हम एक दिन बहुत अच्छे ड्राइवर बन जाते हैं उसके, और फिर हम आंख बंद करके भी चला लेते हैं काफी दूर तक। और अगर हम चलाते भी हैं तो हम साथ में बात भी करते रहते हैं, खाते भी रहते हैं और गाने भी सुनते रहते हैं, हमारा माइंड जो है वो 200 काम करता रहता है और गाड़ी भी चलती रहती है। तो वही चीज हमारे माइंड में आ जाती है जब उसको हम बराबर करते हैं। इसका कोई टेक्निक नहीं है कि एक गुरु मंत्र आपको मिल गया और आपने हारमोनियम पे गाना बजाना शुरू कर दिया, एक राग आपने कर लिया तो लाखों गाने बजा लिए, ये सरासर बकवास है। ऐसे लोग जो वीडियो बनाते हैं उनसे मैं बहुत ही दुखी हूं, लेकिन मैं उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उनका कुछ कर नहीं सकता। आप लोगों से बस यही कह सकता हूं कि ऐसा कोई भी वीडियो आपको नजर आए कि ये गुरु मंत्र जान जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा ये प्रॉपर झूठ बोल रहा है। और सिर्फ वीडियो पे व्यू कमाने के लिए, वीडियो से पैसा कमाने के लिए ये सब करता है, और उसका यही पैसा है। लेकिन आपको भ्रमित करता है, आप उसमें भ्रमित हो जाते हैं, आप ऐसे ही वीडियो को देखना शुरू कर देते हैं, कोई टेक्निक है, कोई जो है फॉर्मूला मिल जाए, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। संगीत एक बहुत ही शार्प चीज है, अगर इसमें आप जरा सा भी 1 सेकंड भी इधर उधर हुए तो ये पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा। पूरा 5 मिनट का गाना आप गाइए और कहीं 1 सेकंड भी आप लेट हो गए रिदम में तो आपका पूरा गाना बेसुरा हो जाएगा। एक जगह बेसुरे हुए आप तो पूरा गाना खराब हो गया। तो समझ लीजिए ये बहुत ही शार्प होता है, इसको बहुत ही ढंग से समझना होता है, एक एक लाइन को अच्छे से समझना होता है, एक एक बोल को सुनना होता है। और हारमोनियम को अगर आप हारमोनियम पे अपनी मर्जी से गाना बजाना सीखना चाहते हैं तो रोज आप गाने सुनिए। सबसे पहले तो एक गाना जब आप कम से कम 100 बार रोज सुनेंगे तब जाकर के उसको कहीं आगे चल करके आप उसको थोड़े ढंग से बजा पाएंगे। प्रॉब्लम क्या आती है कि गाना सुना भी नहीं और अपनी मर्जी से बजाना चाहते हैं। अरे जो चीज आप अपनी मर्जी से बजाना चाहते हैं हारमोनियम पर वही चीज तो जो है आपको आती नहीं, आपके माइंड में वो चीज है ही नहीं, तो आप बजाएंगे कैसे। मैं अगर कोई गाना बहुत ही फर्स्ट क्लास बजा देता हूँ हारमोनियम पे तो उसका रीजन है कि वो हमारे माइंड में बहुत ही फर्स्ट क्लास तरीके से बसा हुआ है, उसका एक एक कण एक एक सुर हमारे माइंड में सेट है, तभी उसको हम बजा लेते हैं। तो आप गानों को आपको जो जो बातें हमने बताई इनको आप जरूर ध्यान दें। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, आगे अच्छे तरीके से बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको इन सब चीजों को फॉलो करना पड़ेगा और खूब मेहनत करनी पड़ेगी, ये बिना मेहनत के नहीं आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, किसी और वीडियो के साथ। तब तक आप खूब प्रैक्टिस करें, मैं सबसे यही कहूंगा कि जो भी आपको मिलता है आप उसको खूब प्रैक्टिस करें, जितना आप उसको ज्यादा बजाएंगे उतनी ही जल्दी ये सुरों का नॉलेज होगा। कई लोग ये पूछते हैं कि सर सुरों का नॉलेज कैसे होगा। सुरों का नॉलेज सरगम को बजाने से होगा, अलंकार को बजाने से होगा, बंदिशों को गाने से होगा, सरगम गीत को गाने से होगा। सुरों का नॉलेज का कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इतने सुर ले लिए और बजा लिया सुरों का नॉलेज हो गया, नहीं। ये पूरा जो फॉर्मेट हारमोनियम का बना होता है, आपको बताया जाता है कि 2 साल लगेंगे, 1 साल लगेगा, ये बताया जाता है ना हारमोनियम सीखने में। तो आप ये समझ लीजिए कि 2 साल तक हमें इसको खूब बजाना है, इस पे जब 2 साल तक लगातार हमारा हाथ चलेगा और माइंड चलेगा तब इसकी जो जगह होती है, जो इसका लेवल होता है वो हमारे माइंड में उतरता है। ठीक वैसे उतरता है जैसे आपने देखा होगा कि हम कभी मेडिकल में जाते हैं और मेडिकल में दवाई लेने जाते हैं तो मेडिकल पूरा दवाई से भरा होता है, और हम कोई भी दवाई मांगते हैं तो जो उस मेडिकल में जो हमको दवाई दे रहा होता है वो जैसे ही हम दवाई मांगते हैं तो वो तुरंत ही उस दवाई को फटाक से निकाल लेता है कहीं से भी, क्योंकि
क्योंकि उसको पता है कि वो कहाँ रखी है, उसका उसका वो कितनी ऊंचाई पे रखी है और उसका लेवल क्या है। पूरे मेडिकल में हजारों दवाइयाँ, दवाई के डिब्बे होते हैं, लेकिन जो भी दवाई आप मांगेंगे वो फटाक से निकाल के दे देगा। वो फटाक से निकाल के इसलिए दे देगा क्योंकि वो उस दुकान में रोज घूम रहा है, रोज वो उसी चीज को उठा उठा के रख रहा है। तो उसको क्या है कि हर हर जगह उसको याद है, हर आ, 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 खाना उसका याद है कि कहाँ कौन सी दवाई रखी। वही सिस्टम हमारी हारमोनियम का है। अभी इसको जो हम रोज बजाते हैं तो हमें पता चलता है कि पा कहाँ पे बैठा हुआ है, सा कहाँ पे बैठा हुआ है, धा कोमल कहाँ पे बैठा हुआ है, मंद सप्तक का धा कहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये सारी बातें तभी हमें पता चलती हैं जब इसको हम सालों तक रगड़ते हैं, और तभी इसके इसको हम जब समझ पाते हैं फिर हम कोई चीज बजाते हैं तो उसके अनुसार कि हमें कितनी ऊंचाई पे जाना चाहिए, तो कितनी ऊंचाई पे कौन सा स्वर है वो हमें अपने आप माइंड में पता चल जाता है और हम उसको तुरंत पकड़ लेते हैं। ये जो है स्वरों का नॉलेज इस तरह से होता है, ये 1-2 दिन या 1-2 महीने के में होने वाला नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।